हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो गाइज आज हम अपनी गाड़ी को वॉश करेंगे। मैंने जो कल वीडियो डाली थी अपनी स्विफ्ट के ऊपर, तो उसी गाड़ी को आज हम वॉश करेंगे। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और गाड़ी मेरे को कितने की पड़ी, जिस मशीन से हम अपनी गाड़ी को वॉश करने वाले हैं उस मशीन का भी मैं लिंक नीचे दे दूंगा, वो आप जाके इजिली बाय कर सकते हैं। तो पहले मैं भी आपको गाड़ी का वॉकराउंड दे देता हूँ कि गाड़ी कितनी ज्यादा गंदी है और ये मशीन इसको वॉश कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, सारा गंद हटा पाएगी या नहीं हटा पाएगी। और दूसरा भाई मशीन भी मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा से एक बार अनबॉक्सिंग करके, इसमें हमें क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो फिलहाल जो हमारे साथ भाई हेल्प करने वाला है, भाई आजा आकाश। तो भाई ये है आकाश। हेलो गाइस। ठीक है, तो भाई ये हमारे साथ हेल्प करेगा गाड़ी वॉश करने के लिए। बहुत ज़्यादा मेहनत लगने वाली है और अभी टाइम हो गया है 3:40, तो अभी आफ्टरनून हो रहे हैं भाई। अभी देखते हैं गाड़ी में कितना टाइम लगेगा। 1.25 घंटा तो आराम से जाता है गाड़ी को वॉश करने के लिए। अभी फिलहाल मैं गाड़ी का आपको वॉक अराउंड देता हूं। और प्लीज़ अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और भाई प्लीज़ नीचे जो है ना डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है अपनी स्विफ्ट का, वो भी देख लेना। तो गाइज आ चुके हैं, मैंने घर के बाहर पहले ऑलरेडी गाड़ी लगा ली थी। आपको मैं पहले इधर से कंडीशन दिखा देता हूँ गाड़ी के टायर की। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे भाई, गाड़ी की हालत बहुत ज़्यादा गंदी पड़ी है। बहुत दिन हो गए थे यार गाड़ी मैंने चलाई भी नहीं है। और दूसरा आप यहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है, आपको कैमरे में इतना जस्टिस नहीं हो रहा होगा। बाकी फिलहाल गाड़ी वाकई में बहुत ज़्यादा गंदी पड़ी है। इधर से भी दिखा देता हूँ आपको, ये देख रहे हो भाई। तो ये देखो कितनी ज़्यादा गंदी है। और भाई ये भी देख लो पीछे से भी। तो भाई अभी गाड़ी को वॉश करेंगे, ठीक है, और आप ऊपर से भी देख लो। और ये तो गाड़ी का मैंने आपको वॉक अराउंड दे ही दिया है कि गाड़ी कितनी ज़्यादा हमारी गंदी पड़ी है। और फिलहाल अब मैं दिखा देता हूँ आपको मशीन जो हमें देखने को मिल जाती है स्टार्क कंपनी की। फिलहाल भाई इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे आकाश भाई हमारे। तो भाई ये है हमारी मशीन, ये हमारे पाइप मिलते हैं, ठीक है, इनको हम अभी आपको जॉइंट करके भी दिखाएंगे कैसे कैसे जॉइंट होते हैं। स्प्रे पाइप, ये तो स्प्रे पाइप है। और भाई ये है मेन मशीन, ये देखो भाई ये स्टार्क कंपनी की है। और यहाँ से इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं भाई, हम अपना यहाँ से स्विच दिया हुआ होता है, वाटरप्रूफ होता है ये भी। और ये अपना प्रेशर के लिए होता है। और अपना अगर मैं राइट साइड से इसको दिखाऊं तो यहाँ पर आप रीड आउट कर सकते हैं। तो ये भाई 220 वोल्ट 50 SZ 2100 वोल्ट की मशीन है हमारी। W3 है इसका मॉडल नंबर, है मेड इन ताइवान की है। और ये होता है फोमिंग के लिए, इसके अंदर मैं अभी आपको वो भी फोम वॉश करके दिखाऊंगा। फिलहाल ये पाइप इसमें कनेक्ट होता है। एक काम करता हूँ मैं इसको असेंबल करके आपको दिखाता हूँ, फिर आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो भाई पहले ये जो पाइप है ना, इसको जो है आपको आगे खींचना होता है ऐसे करके, ठीक है, और ये चीज़ इसमें ऐसे लग जाती है, ये कट करके आवाज़ आ जाती है। तो भाई ये लॉक हो जाता है, देखो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसके अलावा और इसमें कुछ करना नहीं होता। ये पाइप जो है जहाँ से आपका पानी आएगा ये उसमें लगाना होता है। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो फाइनली मैंने टोटी के अंदर जो है अपना पाइप लगा दिया है। और यहाँ से इसको अब हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो ओपन करने के बाद पानी जो है अपना उसमें चला जाएगा और यहाँ पर थोड़ा बहुत निकल भी चुका है जैसे कि आप देख सकते हो। अभी इसके अंदर जो पाइप लगेगा भाई ये अपना हाई प्रेशर वाला लगेगा जिससे ये सारा कुछ कनेक्ट रहता है, ठीक है। तो इसको लगा लेते हैं फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये अंदर चला गया, उसके बाद बस हमें इसे ईजिली कस देना होता है। तो भाई जैसे कि आप देख रहे हो भाई हमने एक्सटेंशन बोर्ड भी लगा दिया है यहाँ पर, और मोटर का जो तार है वो इसमें लगा हुआ है। और बाकी सारे के सारे जो अपने पाइप थे वो सारे के सारे लग चुके हैं। और ये रही अपने हाथ में गन भाई, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर होता है इसका। मैं फिलहाल अभी आपको यहाँ से जो है आगे से एडजस्टमेंट हो जाती है इसकी, इस चीज़ को आप जितना रोटेट करोगे ये उसी हिसाब से जो है भाई अपना एडजस्ट हो जाती है। जैसे कि मैं भी आपको दिखा देता हूँ टायर मार के, अभी देखो कितना ज़्यादा तेज धार है। और अभी मैं इसको सर्कुलेट करूँगा इधर, ये मोटी हो जाएगी, ठीक है। तो कोशिश वही करो जिस ग्राउंड पे मारना ज़्यादा हार्ड करके, ऐसे करके बिल्कुल सीधी जो धार जो जाती है, ये देख रहे हो आप, मतलब हाथ का भी प्रेशर जो है ना ये पीछे की तरफ आ जाता है। जब मैं आपको इसको स्टार्ट करूँगा दोबारा आप मेरे हाथ को नोटिस करना, ये देखो ये खुद ही ऑटोमेटिक पीछे आ जाता है भाई, इतना हाई प्रेशर होता है। और फिलहाल अभी आपको मैं गाड़ी के जो है नीचे से एक बार इसका क्लीन करके दिखाता हूँ, फिर आप देखना और आप खुद जस्टिस करना कि भाई ये मशीन काबिल तारीफ है या नहीं है। तो भाई जैसे कि आप देख सकते हो मैंने अभी जस्ट अभी एक ये वाला टायर इसको क्लीन किया है,
और आप इन साइड से इसमें देख सकते हो बिल्कुल भी गंद नहीं बचा है, और बिफोर और आफ्टर आप इजीली बैक करके देख सकते हो, ठीक है। तो भाई इतनी इम्प्रूवमेंट होती है, और यहाँ पर आप देख सकते हो अभी कितनी ज़्यादा मिट्टी थी वो भी ख़त्म हो चुकी है। ऐसे ही हम पूरी गाड़ी को वॉश करते हैं, फिलहाल अभी आप इसको टाइम लैप्स में देख सकते हो, गाड़ी को पूरा वॉश करते हैं और पानी मारता हूँ, तो फिलहाल आप वीडियो के अंदर आपको सारी चीज़ें दिख जाएगी। तो गाइस जैसे कि आपने देख लिया होगा अभी हमने अपनी गाड़ी पे पूरे चारों ओर से पानी मार लिया है, यहाँ तक कि फेंडर के नीचे जो मिट्टी जमी हुई थी टायर गोलाई पे वो भी हमने पूरी मिट्टी हटा चुके हैं। और फिलहाल अब बारी आती है, अगर देखो आप दो तरीके से गाड़ी को साफ कर सकते हो, या तो एक आप बकेट में शैम्पू लेके उससे साफ कर सकते हो, या फिर आप फोम वॉश कर सकते हो। तो भाई मेरे पास स्पेशली ये बोतल है जो अपनी स्टार्क कंपनी की ये मशीन है, इसके साथ ही ये फ्री आई थी, इसके अंदर हमें देखने को मिलता है, ये मशीन के आगे लग जाती है वो भी लगा के दिखाऊंगा। और आपको शैम्पू चाहिए, शैम्पू अपने पास है, और फिलहाल एक फाइबर क्लॉथ चाहिए। भाई ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, एक टॉवल की तरीके से होता है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा यही क्लॉथ यूज़ किया करो, गाड़ी इससे एवं साफ होती है भाई, मज़ा आ जाता है गाड़ी साफ करने में। तो फिलहाल अभी जो है अभी हम इसके अंदर शैम्पू डालते हैं, भाई ये रहा शैम्पू। तो भाई मेरे घर में क्लिनिक प्लस था तो मैं ये क्लिनिक प्लस डाल रहा हूँ, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, तो इससे भी अच्छे अच्छे शैम्पू आते हैं जो गाड़ी को बहुत अच्छा रखते हैं और गाड़ी की जो शाइनिंग है वो बरकरार रहती है। फिलहाल मेरे पास भाई ये था, मैंने डाल दिया, तो प्लीज़ माइंड मत करना यार, ठीक है, वो भी मंगा लेंगे जल्दी से जल्दी। और ये इसके ऊपर ऐसे लॉक हो जाता है, ये गन के आगे लगता है, ये ऐसे करके ये चीज़ यहाँ पे ऐसे बैठ जाती है, ठीक है। अब हमें कुछ भी नहीं करना फिलहाल, अभी उससे पहले हमें इसके अंदर पानी फिलअप करना होता है, मैं इसके अंदर पानी भर लेता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। जो है पानी की बोतल जो थी ये पूरी भर चुकी है, जो शैम्पू बोतल थी, और फिलहाल अभी इसको मैंने कर दिया लॉक, अब ये कहीं नहीं जाने की, और इसी गन से हमें जो है गाड़ी के ऊपर मारना है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो भाई जैसे कि आप देख रहे होंगे भाई कितना मजा आ रहा है, और ये फोम वॉश का अलग ही मजा है, बस इसको हमें अच्छे से मारना है और फिर जो है हम अपने इजीली कपड़ा मार सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको पूरी गाड़ी पे मार के दिखा देता हूँ, एक बार आ जाओ। एक ही बोतल में पूरा हो गया, पूरी गाड़ी को इसने मिला दिया। तो भाई ये रहा अपना फाइबर क्लॉथ, और इसको हम यहाँ पर रखेंगे, इसको भी शैम्पू शैम्पू में करेंगे, ठीक है भाई, पूरी गाड़ी पे इससे कपड़ा मारना है। हमने मार दिया पूरी गाड़ी के ऊपर, अब मारना है इसके ऊपर पानी। इजीली इसको इस बोतल को जो है इसके ऊपर से हटाना होता है, इसको रख देते हैं साइड में। वॉशिंग कर दी है अभी तक, और इसमें जो फोम वॉश था वो भी कर दिया है। अभी फिलहाल जो हमारे पास क्लॉथ था फाइबर क्लॉथ, तो भाई ये बिल्कुल साफ़ है, मैं अच्छे से धो के ले आया, और ये सूख भी गया। इसको इजीली बस यहाँ पर बॉडी पे रखना है, जो छोटा थोड़ा थोड़ा पानी है वो इजीली इसको साफ़ हो जाएगा। पूरी
पूरी गाड़ी पे कपड़ा मारना है भाई, ठीक है ना, हल्के हाथ से। इस कपड़े का ना एक फायदा ये होता है, जो भी पानी होता है ना ये तुरंत एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है, इसका ये बेनिफिट है। While you and me repeat, this bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. जैसे कि आपने देख लिया होगा गाड़ी अपनी वॉश हो चुकी है और इसके जो सिनेमैटिक शॉट्स थे वो भी आपने एंजॉय करे होंगे। तो गाइस बस यही था इस वीडियो के अंदर, और जो स्टार का कंपनी की जो मैंने मशीन दिखाई है उसको भी आप बाय कर सकते हो बाय अमेजन के थ्रू, या फिर आप उसी की वेबसाइट पर जाके भी परचेज कर सकते हो। और रही इस गाड़ी की बात, तो भाई स्विफ्ट के ऊपर मैंने पहले ही ऑलरेडी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है अपने चैनल पर, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देख लेना। और ये गाड़ी आपको कैसी लगी और उसके ऊपर आपको कितनी वीडियो चाहिए मॉडिफिकेशन से रिलेटेड और क्या क्या इस गाड़ी के अंदर होना चाहिए, तो जाके आप प्लीज़ जाके देख लेना इस गाड़ी को मैंने कैसे लिया और कि ये गाड़ी मुझे कितने की पड़ी, वो सारी चीज़ें मैंने आप उस वीडियो में गिवन है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो जाके देख लेना। और गाइस गाड़ी को आपने देख ली होगी कैसी लगी, तो भाई नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जो मेरी मेहनत थी भाई वो जाया नहीं जानी चाहिए, अभी बारिश का मौसम जैसा हो रहा है आप ऊपर देख सकते हो, तो फिलहाल दोबारा बारिश आएगी भाई ये दोबारा गंदी हो जाएगी। तो फिलहाल ये बस आपके लिए वीडियो बनाने का मेन पर्पस था कि बस आपके लिए बनाया। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।